वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। इडियम्स एंड फ्रेजेज के लेक्चर में आज 71 से लेकर के 75 तक पांच इडियम्स एंड फ्रेजेज को कंप्लीट करेंगे। आज का पहला है हैव एंड हैव नॉट्स, इनकी हिंदी होती है अमीर गरीब। दूसरा है योमैन्स सर्विस, उत्कृष्ट कार्य। हैंकी पैंकी, इसकी हिंदी है छल कपट। नेक्स्ट है वाइल्ड गूज चेज, हिंदी है व्यर्थ का प्रयत्न। और लास्ट में स्टोन्स थ्रो, मतलब थोड़ी दूरी पर। देखिए, हैव एंड हैव नॉट समझने के लिए एक फ्रेज है डूस एंड डोंट्स। डूस एंड डोंट्स, डूस मतलब करना, क्या करना चाहिए, और डोंट्स मतलब क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही इसी स्टाइल से बना हुआ है हैव और हैव नॉट्स। हैव का मतलब आप जानते हैं, हैव मतलब जिसके पास होता है, रखता है, इसकी हिंदी होती है। और हैव नॉट्स मतलब जिसके पास नहीं होता है। तो जिसके पास होता है और जिसके पास नहीं होता है, इन दोनों की हिंदी हम कहेंगे। तो जिसके पास होता है वह अमीर, और जिसके पास नहीं होता है वह गरीब। इसलिए हैव और हैव नॉट जो फ्रेज हो गया, इसकी हिंदी बनाई गई अमीर गरीब। जिसके पास पैसा होता है बोलते हैं हैव, जिसके पास नहीं होता बोलते हैव नॉट्स। और फ्रेज में हैव एंड हैव नॉट्स को बोलेंगे अमीर गरीब। मैं आपको जो बताया कि हैव का मतलब जिसका पैसा होता है, ये हिंदी नहीं होती है। हम हैव और हैव नॉट्स को समझने के लिए अमीर गरीब हिंदी से इसको जोड़कर फिर से समझ रहे हैं कि हैव और हैव नॉट्स की हिंदी अमीर गरीब हो जाएगी। नाउ योमैन्स सर्विस, योमैन्स सर्विस का मतलब होता है उत्कृष्ट कार्य। योमैन्स जैसा कहीं लिखा मिला नहीं, लेकिन योमैन कोई पर्सन थे जिनका कार्य बहुत ही उत्कृष्ट हुआ करता था। तो उनके ही सम्मान में कोई भी उत्कृष्ट कार्य होता है तो उसे कहते हैं योमैन्स सर्विस। कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो आप जानते भी हैं किसी पर्सन का नाम होता है राम, तो राम्स, राम का, यहाँ योमैन का सर्विस। तो योमैन का सर्विस होता है योमैन के समान, उनके जैसा सर्विस, तो कहेंगे उत्कृष्ट कार्य। तो योमैन सर्विस से आप उत्कृष्ट कार्य को ध्यान रखेंगे। पहला जो था 71st, have and have nots, जिसकी हिंदी अमीर गरीब है, इसका सेंटेंस में यूज किया, our society is divided, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज विभाजित है, into have and have nots, अमीर गरीब में, हमारा समाज अमीर गरीब में विभाजित है, हिंदी होगी। अब योमैन सर्विस, जिसकी हिंदी उत्कृष्ट कार्य है, इसका सेंटेंस में यूज किया, हेल्पिंग द पुअर इज अ योमैन्स सर्विस, गरीब लोगों की मदद करना। हेल्पिंग द पुअर, पुअर की हिंदी होगी गरीब लोगों की मदद करना, इज अ योमैन्स सर्विस, उत्कृष्ट कार्य होता है गरीब लोगों की मदद करना। नाउ हैंकी पैंकी, हैंकी पैंकी, पैंकी का कोई मतलब नहीं होता इंग्लिश में। हैंकी का मतलब होता है जो आप हैंडकरचीफ रखते हैं अपने पास, रुमाल रखते हैं वो, तो डेफिनेटली हैंकी पैंकी वह तो है नहीं जो हैंकी का मतलब हो रहा है। यह एक इडियम है, हिंदी होती है छल कपट। हैंकी पैंकी की हिंदी होती है छल कपट। तो देखिए, देयर शुड बी नो हैंकी पैंकी इन बिजनेस, व्यवसाय में छल कपट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, व्यवसाय में छल कपट नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो हैंकी पैंकी इन बिजनेस। नाउ द नेक्स्ट इज वाइल्ड गूज चेज। चेज का मतलब होता है पीछा करना, पीछा करना। अब बताइए, वाइल्ड गूज है, गूज मतलब होता है हंस, जंगली हंस, हाँ, और फिर वाइल्ड गूज भी जंगली हंस ही कह लेंगे। तो कोई जंगली हंस है, जंगली हंस, ठीक, इसका पीछा करना है। हम भूल गए कि ये उड़ता है, ये जमीन पे केवल चलता है, इतना मान लेते हैं,
उड़ता है मान लेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही मूर्खता होना चाहिए इसका मतलब, लेकिन हम मान लेते हैं कि जंगली हंस जमीन में केवल जमीन पर केवल चलता है। तो जंगली हंस है इसका मतलब क्या है, उससे जंगल की चप्पा चप्पा का ज्ञान है, कहाँ छुपना है, किधर गड्ढा है, किधर कैसा भूस्थल है, उसको पता होता है हंस का। अब क्या करना है, चेज करना है जंगली हंस का। तो जंगली हंस का चेज करने कौन जाएगा, एक तो जंगली हंस रहता है जंगल में, जंगल में जाना ही खतरा मोल लेना है, और दूसरा इसको तो वहां का प्राणी है, इसको तो पता है वहां की भौगोलिक स्थिति, तो उधर चेज कर पाना आसान नहीं होगा। तो एक खतरा मोलना और एक असंभव कार्य करना, दोनों ही मुश्किल है। तो इसीलिए बनाया गया वाइल्ड गो चेज की हिंदी बनाई गई व्यर्थ का प्रयत्न। प्रयत्न तो किया जा रहा है कि ऐसा काम करने की कोशिश की जा रही है जो कि पॉसिबल नहीं है और व्यर्थ कहलाएगा, क्योंकि जंगल में जाना है पॉसिबल भी नहीं है, इसलिए कहेंगे कि यह प्रयत्न व्यर्थ है, व्यर्थ का प्रयत्न। टीचिंग अन इंडिसिप्लिन स्टूडेंट एक असिस्ट विद्यार्थी की टीचिंग, एक असिस्ट विद्यार्थी को पढ़ाना इज लाइक अ वाइल्ड गूज चेज, व्यर्थ के प्रयत्न के समान होता है। एक अशिष्ट विद्यार्थी को पढ़ाना व्यर्थ के प्रयत्न के समान होता है। नाउ स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो क्यों बना, इसे बहुत आसानी समझ सकते हैं कि जब हम स्टोन को थ्रो करते हैं, किसी स्टोन को फेंकते हैं, तो उसका डिस्टेंस होता है करीब करीब 50 मीटर। 50 मीटर डिस्टेंस ऐसा है जिसे आप देख सकते हैं, जहां तक आवाज दे सकते हैं, वह बिल्कुल ही आपके समीप जैसा ही होता है। तो अगर हम कहें कि कोई पार्टिकुलर जगह स्टोन थ्रो है, स्टोन थ्रो का मतलब क्या है कि थोड़ी दूरी पर है, जितना दूर स्टोन पहुंच पाता है उतनी दूरी पर है, तो कहते हैं स्टोन थ्रो की हिंदी थोड़ी दूरी पर। कैसे, सक्सेस इज स्टोन थ्रो, सफलता थोड़ी दूरी पर होती है। सक्सेस इज स्टोन थ्रो, सफलता थोड़ी दूरी पर होती है। फॉर अ हार्ड वर्कर, कठिन परिश्रम करने वाले के लिए, कठिन परिश्रम करने वाले के लिए सफलता थोड़ी दूरी पर होती है। तो इस तरह से हमने पांचों को देख लिया है, हैव एंड हैव नॉट्स का अमीर गरीब, यूमन सर्विस का उत्कृष्ट कार्य, हैंकी पैंकी का छल कपट, वाइल्ड गुज चीज का व्यर्थ का प्रयत्न, और स्टोन्स थ्रो का थोड़ी दूरी। थैंक यू वेरी मच।